इस तरीके से खीर बनाएंगे तो कोई कहेगा नहीं आपने इसे घर पर ही बनाया है। ऐसी खीर की आंखों को छू जा। चलिए तो बनाते हैं, ला जाओ आप टेस्टी बादाम चावल की खीर। हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मिक्स स्पाइसी मसाला किचन में। 2 चम्मच चावल को ले लेंगे। चावल मैंने बासमती यहाँ पे इस्तेमाल किया है और चम्मच हमारे घर का इस्तेमाल करने वाला है। 2 बार चावलों को हम हल्के हाथों से वॉश कर लेंगे। चावल में पानी डालकर आधे से 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आपके पास जो चावल अवेलेबल हो आप उस चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ राशन का चावल छोड़ के। लेकिन बासमती चावल इस्तेमाल करने से खीर में बहुत अच्छी खुशबू आती है, इसके लिए मैंने बासमती चावल का इस्तेमाल किया है। चावल को मैंने वॉश कर लिया है, आधे से 1 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। 25 से 30 बादाम लिए हैं मैंने। बादाम को 5 घंटे के लिए मैंने भिगो लिया है। मॉर्निंग में इसे भिगोने के लिए छोड़ा था। जिस पानी में बादाम को भिगोया था उस पानी को फेंक देंगे और इसमें हम गुनगुना पानी डाल देंगे ताकि बादाम के छिलके आसानी से निकल जाए। 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे बादाम को गर्म पानी में। 7 मिनट हो गए, बादाम को चेक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बादाम के छिलके आराम से निकल रहे हैं। तो चलिए मैं सारे बादाम के छिलकों को निकाल लूंगी। मिक्सी में बादाम को पीस लेंगे। बादाम को हमें दानेदार पीस लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने बादाम को पीस लिया है, बिना पानी डाले बिना दूध डाले दानेदार पीस लिया है। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने गैस पे चढ़ा दिया, उसमें आधा लीटर दूध डाल दिया है। गर्म होने के लिए दूध को छोड़ देंगे। पानी डालने से दूध हमारा तले पे लगेगा नहीं। चावल को भीगते हुए 1 घंटा हो गया है। चावल का पानी फेंक देंगे और चावल को हाथों की सहायता से क्रश कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। चलिए, चावल को क्रश कर लिए। एक बार दूध को चला लेंगे। दूध में उबाल आने तक दूध को पका लेंगे अच्छे से। दूध में उबाल आना स्टार्ट हो गया है, दूध को चला लेंगे। नीचे तले तक हमें दूध को चला लेना है ताकि दूध हमारा तले पे लगे नहीं। दूध में उबाल आ गया है, चावल डाल देंगे। चावल को भी पकने में थोड़ा समय लगता है, दूध को चलाते हुए पका लेंगे। अब दूध को हमें इतना पका लेना है कि चावल हमारे सॉफ्ट हो जाए। अब गैस के साथ खेलते हुए हम दूध को पका लेंगे, जैसे कि लो करना है, फिर से मीडियम करना है, फिर से लो करना है, इसी तरीके से हम दूध को पका लेंगे। फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट हो गए दूध को चलाते हुए। दूध यहाँ पे हमारा कम हो चुका है, फिर से हम दूध को चलाते हुए पका लेंगे। दूध को चलाते हुए मुझे 15 मिनट हो गए। चावल को हम चेक कर लेंगे, चावल हमारे पक चुके हैं। चावल को हम मैश कर लेंगे। चावल को मैं पाव भाजी मैश करते उससे मैश कर लूंगी। आपके पास विस्कर हो तो आप विस्कर से मैश कर लीजिए चावलों को। अच्छे से चावल को मैश कर लेंगे। आपको अगर ये प्रोसेस नहीं करना है तो एक बार चावलों को मिक्सी में चला लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, दूध को चलाते हुए मैंने और दूध को पका लिया है। दूध यहाँ पे हमारा कम हो चुका है, हम इसमें बादाम का पेस्ट डाल देंगे। चलाते हुए बादाम को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, आप बादाम को पीसते हुए बादाम में थोड़ा सा दूध या थोड़ा सा पानी मिलाकर पीस लीजिए। ये मेहनत आपको करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि बादाम की गुठलियाँ बन चुकी है इसके अंदर, मैं उसे ही मैश कर रही हूँ। तो आप पानी या दूध का इस्तेमाल करके पीस लीजिए तो आपको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए, यहाँ पे मैंने बादाम को अच्छे से मिक्स कर लिया है दूध में। मिक्सी के बर्तन में हमने बादाम को पीस लिया था, उसमें पानी या दूध डाल के जो भी मिक्सी में बादाम हमारा लगा हुआ है उसे भी हम दूध में मिला देंगे। यहाँ पे मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। एक बार मिक्स करते हुए दूध को चला लेंगे ताकि दूध हमारा तले पे लगे नहीं। और फ्रेंड्स, दूध जो साइड में लग रहा है उसे भी निकालते रहिए, नहीं तो वो जल जाता है, बाद में निकल नहीं पाता है। यहाँ पे मैं कुछ केसर के धागे ऐड कर रही हूँ। मेरे पास केसर है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर दीजिए। दूध को चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। केसर को दूध में अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देंगे। फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट ले लिए, उसे हम खीर में ऐड कर देंगे। काजू बादाम पिस्ता है, ड्राई फ्रूट को खीर में मिला देंगे मिक्स करते हुए। फ्रेंड्स, मैं आज गाढ़ी खीर बना रही हूँ। अगर आपको पतली खीर बनानी है तो आप इस स्टेज पे शक्कर को ऐड कर दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। जिस चम्मच से हमने 2 चम्मच चावल लिया था उसी चम्मच से मैं 4 चम्मच शक्कर डाल दूंगी। शक्कर डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं गाढ़ी खीर बना रही हूँ, आप इस स्टेज पे गैस को बंद कर दीजिए। अगर आपको पतली खीर चाहिए, मुझे यहाँ पे गाढ़ी खीर बनानी है, तो मैं और इसे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम गैस करके पका लूँ। देखिए फ्रेंड्स, 5 से 7 मिनट मैंने खीर को पका लिया है, खीर इतनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इस स्टेज पे गैस को बंद कर देंगे, खीर को थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। खीर को हमने एकदम हल्का सा ठंडा कर लिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। खीर को हम इस मिट्टी के बर्तन में सर्व करेंगे। चलिए तो खीर को सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी बादाम चावल की खीर कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। ड्राई फ्रूट से खीर को सजा लेंगे। अब बारी आती है हमारी मेन खीर की डेकोरेशन की, जिसका सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए तो सजा लेते हैं। फ्रेंड्स, ये एक कार्डबोर्ड है, उसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और जो आपको पिंक कलर का पाउडर दिख रहा है, वो गुलाब के पत्तों को मैंने सुखा कर उसका पाउडर बना लिया है। जो आपको डिब्बी दिख रही है, तो इस डिब्बी का इस्तेमाल रंगोली निकालने के लिए किया जाता है, उसका इस्तेमाल मैंने किया है यहाँ पे डेकोरेशन के लिए। ये साफ सुथरी डब्बी है, इसे मैंने नया खरीद लिया था। इसे मैं तैयार कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से दिखेगी हमारी खीर। थोड़ा सा टेढ़ा बना है, लेकिन कोई बात नहीं, खूबसूरत तो दिख रहा है। के बीच में हम बादाम से सजा देंगे, के लिए इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो तैयार है हमारी बादाम चावल की खीर। इंजॉय करती हूँ मैं अपनी खीर के साथ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।